कम करो, कम करो। गैस सिलेंडर हो गया हजार के पार, होती है तो मुमकिन है। गैस सिलेंडर हो गया हजार के पार, होती है तो मुमकिन है। पेट्रोल डीजल हो गया 100 के पार, होती है तो मुमकिन है। सरसों का तेल हो गया 200 के पार, होती है तो मुमकिन है। बढ़ती हुई महंगाई को रोक दो, रोक दो। आवाज दो, हम एक है। आवाज दो, हम एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम एक है भाई। महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया है, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर प्रदर्शन किया है। पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है महंगाई के खिलाफ। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। हर वर्ग, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो स्टूडेंट है, हर वर्ग परेशान है। इतनी महंगाई कभी ज़िंदगी में हमने देखी नहीं, जितनी महंगाई बढ़ी है। आज आप देखिए सिलेंडर हज़ार के पार है, मैं समझता हूँ कि 1050 के करीब करीब पहुँचता है घर में। तो पेट्रोल डीजल ले दीजिए 100 के पार है। इसी तरह से हमारा जो सरसों का तेल है 200 से ऊपर हो गया है। तो इतनी महंगाई बढ़ी है कि अभी आप देखिए 2-3 दिन में ही 2-2.5 लीटर के करीब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। अब आप देखिए पेट्रोल और डीजल 200 के करीब पहुंचेगा और गैस का सिलेंडर आपको 1200 के करीब मिलेगा। ये आस्ता आस्ता चुनाव खत्म होने के बाद ये आस्ता आस्ता रेट को बढ़ा रहे हैं कि लोगों को महसूस ना हो। लेकिन मैं लोगों को आगाह करना चाहता हूँ, ये गैस का सिलेंडर आपको 1200 से कम नहीं मिलेगा और डीजल पेट्रोल के रेट भी 150 से कम नहीं मिलेंगे। इतनी महंगाई हो गई है। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही सिलेंडर 350-400 में मिलता था तो बीजेपी वाले पूरे सदन में हंगामा मचाते थे, सड़कों पे उतराते थे। आज कहाँ है बीजेपी? आज हज़ार से ऊपर सिलेंडर है, कहाँ बीजेपी? पेट्रोल तो आप बताइए, इतनी महंगाई है लेकिन जहाँ की सरकार, जो बीजेपी की केंद्र की सरकार है, सोई हुई है, कोई इस तरफ ध्यान नहीं है उसका। महंगाई बढ़ गई है, उसका ध्यान सिर्फ है बांटो और राजनीति करो। लेकिन ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं, लोगों को समझ आ गया है। इतनी महंगाई हो गई है लेकिन महंगाई के बारे में प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं बोले, कभी सदन में, कभी इनके नेता कभी बोले कि महंगाई को हम कम करें, कभी नहीं बोले। क्योंकि लोगों को उन्होंने बांट दिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में। वो त्रुटि नीति कर रहे हैं इस तरह बांटने से। तो हमारी जो आज प्रदर्शन है, हम जो कहते हैं सरकार से अपील भी करना चाहते हैं और सरकार को वार्निंग भी देना चाहते हैं कि इमीडिएटली गैस सिलेंडर के और पेट्रोल डीजल के रेट वापस लिए जाएं। अगर नहीं वापस लिए दे तो हम बड़े पर्दे पे प्रदर्शन करेंगे और आम जनता, हम कांग्रेस पार्टी आम जनता के लिए खड़ी है।